दो रियाल तो दे रियाल तो सर फाइव पे दी यूकनों क्यों नहीं देंदे पैसा उस्ताद दो खुरा रियाल दा सरफ सी यकीन करो इन्ना इन्ना की वो दो रियाल दा कितों ही वो महंगा ही वो साला किधर इन्ना डब्बा किन्ना पांच रियाल दा ओ दा रियाल दा यार मैं चार रियाल दा ही हो देते हैं ओ छोटा डब्बा दो रियाल आ दो रियाल दा दो रियाल जी नहीं हो तो लैके आए हाँ यार तो उस दिन आल दा डब्बा उठ लाया के दे छड़ गाल मुका मैं पूरा डब्बा इस्तेमाल कीता ते तू पूरा डब्बा इस्तेमाल कर ला ना जान छुट्टे पर है ही नहीं पूरा डब्बा हुंदा ते मैंने पूरा डब्बा दे के ते बा मेरे ते 1 रुपया लगा होना बस हां मेरे सिर्फ कपड़े नहीं धोते नहीं उस कपड़े मैंने जान तंग कर दे पे ने अच्छा एक गल मैंने दसो इन 1.5 महीना हो गया सर्फ लिया अजे तक डब्बा ही नहीं खोलिया तो कपड़े के इस्तेमाल डब्बा ही नहीं खोलिया तो इस्तेमाल किए कपड़े कितने धोते हैं कौन करा उसमें आयो साडा सर्फ भी तू इस्तेमाल कर दे साडा सर्फ भी तू इस्तेमाल कर मंजूर है इसको समझा दे ये है चोर इंसान बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह हो गया नहीं तो ला दे आग गुण चुले नू सवा तीन हो चले ना भुख बड़ी लग गई है आज तो वैसे जिम्मे हाई पिया ना जुमा आज तो आलू वाले पराठे बनाए यार सालन सही हो सालन की तरह खड़े ओ लड़ पैनी फिर ओ लड़ पैनी ओ लड़ पैनी जान बोई ते तंग कर देने नूर साहब अब तो हो गई उन्होंने दी फितरत है कि क्या सकते लो जी असी बना रहे हैं शहरी वास्ते आलू ओ आलू वाले नहीं यार सादा पराठे बन से ना जी क्योंकि अज सालन पिया साढ़े को इस वजह तो कमरे जान बोझ तो नूर सैन ने तंग करते पे तो चेक कर अपनी गल सुनाया करो थोड़ी भारती बेईमानी आंदे तू तो काम टाप दिता बेईमानी तो अहीं नहीं कभी नहीं दिता ए तू करदा ही कोई नहीं अंजे ते हर बंदे डब्बा खोलया पराठे बनाया किन्ने हो गए दो चार छे अठ पराठे बन गए हेलो ओ भाजी हेलो की गल है उठ खलो तां सारी ते टाइम हो गया रोटी खा लो पराठ ओ पठान दा काम वेख किलो घ्यो दा ला के तू रोटी एक तलाई वे अंदाजा ला ले इस बंदे दा हेला 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 अपनी जगह खिलाओ खिलाओ किसको खिलाओ सही तरीके से खिलाओ मिक्स करो यार ये बंदा हेलो सुमरा चा में सुडाने उस्ताद जी और मोड़ा ले ना जी हुण की हो गया फिर की हो गया लो जी इस बंदे की चाबी नहीं चलती भाई तो ये चाबी चला के देवी नड़कन लोग अफतारी करके मुँह दे बंदे ने यह सहरी करके वेखो ना ढेड उत्ता करके हाँ की हो खुल गया सुन फजर की नमाज का टाइम हो गया जी 6 बजे तेरा नैट बंद कर देना मैं हूँ समाणी दल गप ला ला जी लावनी है मुड़ बाद आखें ओयो घर ले साया रौला कोई नहीं लोग मंगता पी है चल हूँ नैट चल गए तो बजा है बड़ा ए सी तो चला छोड़ घर कम अज कम कम ठड्डा हो जाता कमरा जट एक है माशाल्लाह जी सर ए सी कर लीए सामने चंद खलोता 23 रमजान है अज ते है भाई खुरम साहब सामने खलोते ने चैनल में सब्सक्राइब करना मत भूलना और जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और ये दोस्तों ने किचन साफ कर दिया माशाल्लाह VIP करके ज़बरदस्त करके यहाँ से मैं थोड़ा सा आपको नज़ारा दिखा देता हूँ जद्दा शहर है माशाल्लाह क्या बात है आज तो ये सऊदी ने लाइटें भी लगा के चमका दी हुई दीवार रंग बिरंगी लाइटें जल रही हैं माशाल्लाह टाइम हो गया जी 12:15 का और अल्हम्दुलिल्लाह जी
सब लोग जो है ना वो उठ गए हैं, सैरी करके सोए हुए थे, सब ने नहा धो लिया। एक बंदा हमारा जो है ना वो हमेशा पीछे रह जाता है, जिसका नाम है नूर हुसैन, अभी नहाने गया हुआ है। और टाइम तो करीबन जुम्मे से 15-20 मिनट रह गए हैं, और अभी हमने जुम्मे पे भी जाना है, लेट हो रहे हैं। गाड़ियाँ रेडियाँ जो हैं वो गाड़ी में रखी हुई हैं, वापस करनी थी किराए की, लेकिन वो अभी तक वापस नहीं कर। अब मंजूर है रेडियो तो निकाल दो, सारा कपड़े भी खराब हो जाएगा। रेडी तो बाहर तो निकालना ना, ये रहा और आ जाए तो समर को बुलाना, वो उस्ताद भी आ रहा है। तो चलो जी चलते हैं, जुमा पढ़ते हैं, पढ़ने के लिए ये रेडियो निकालनी है। उस्ताद जी टाइम नहीं है, आ जाओ। निकालो यार निकालो, रेडियो निकालो ना। गेट भी खोल दिया उसने गाड़ी निकालने के लिए, और अभी तक इन्होंने रेहड़ियाँ नहीं निकालनी है, निकाली हैं। एक बंदा हमारा जो है वो नहाने के लिए घुसा हुआ है, और उसको अभी याद आ गया शेप मेप करना, हमेशा वो तो लेट ही करता है सबसे। कड्डो कड्डो टाइम नहीं है यार, कड्डो करो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक्स और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। तो इसी के साथ आज का व्लॉग जो है वो यहीं पर जो है वो करता हूँ मैं एंड। आराम ना लो पठाना, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। डिग्गी भी ज़ोर से बंद किए ज़ालिम खाना।